अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी वीडियो जिसमें आप लोगों के लिए उम्मीद और क्रिकेट फैंस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं उनके लिए एक बिलखसूस बड़ा दिलचस्प मैसेज और हफीज़ ने रिक्वेस्ट की है। वो क्या रिक्वेस्ट है? हफीज़ ने एक तो कहा कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो उम्मीद नहीं छोड़ें, अभी हम स्टिल वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, बन सकते हैं, सेमीफाइनल में जा सकते हैं। वो इस वीडियो में आप आगे चल के देखेंगे। प्लस उसने हफीज़ ने इमोशनल होकर ये बात कही कि जो हमारे ऊपर ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं पाकिस्तान से, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा हशर ना करें, हमें ज़हनी तौर पे रिलैक्स रहने दें ताकि हम वर्ल्ड कप में जो बाकी उम्मीद बची है उसको हम इम्प्लीमेंट करवा सकें। तो ये स्पेशल मैसेज पाकिस्तान टीम के क्रिकेट फैंस के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें और मैं भी आपसे ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर आप अमल करें और कोशिश करें कि क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आपके जज्बात हैं, सारा कुछ है, इस तरह से चीज़ें की जाएं ताकि उनको ज़हनी सुकून भी हो और वो आगे जो कुछ बाकी मैचेस बचे हैं वो उनको अच्छे तरीके से खेल सकें। गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा जो लोगों की इमोशंस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। हम भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हार का उतना ही दुख मुझे भी हुआ होगा जितना किसी और पाकिस्तानी को, तो ये बात समझनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि उस हार को हमें एक्सेप्ट करना, अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, ना कि ऐसी क्रिटिसाइज़ करना है जिससे हम लोग और टूटें। ठीक है, हम लोग पूरा खेले हैं एज ए टीम, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे पास चांस बाकी है और उसी की तैयारी हम करने आए हैं। तमाम लड़के जो मैंने आपको पहले बात की कि आज का जो बॉडी लैंग्वेज थी तमाम प्लेयर्स की वो बहुत ही पॉजिटिव, और एक नए बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हो चुका वो हो चुका, उसको भुला के आज हम आए हैं।